हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ स्टडी टेंशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमने क्लासिक्स के एनसीईआरटी का ये पार्ट चालू किया था, पार्ट बाय पार्ट हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसका नाम क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो जो हमारे स्कूल्स होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, बड़ों के लिए। मतलब पहले स्कूल में आप जाते हो, पहले केडी, अब तो केडी हो गया है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल होता है। उससे जब अपर क्लास में जाते हो तो उसका अलग स्कूल होता है। मतलब कि जैसे आपके जनरेशन चेंज होते हैं वैसे वैसे ये क्या होता है, आपका स्कूल बढ़ते जाते, स्कूल से आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आप ऐसे, मतलब बढ़ते बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल है। जैसे आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ एक आपको अंधी लड़की दिख रही है और एक लड़का लेके जा रहा था, मतलब कि अंधी लड़की और स्कूल से क्या रिलेशन है, आपको देखने बहुत सारी मतलब बातें इस पिक्चर को देख के आपके मन में आ रही होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और ठीक है, डू यू नो दीज वर्ड्स, इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपका मतलब वो पूछ रहा है कि आपको इनकी मीनिंग्स पता है, अगर नहीं पता है तो उसको फाइंड आउट कीजिए, खोजिए। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड हमारा है बैंडेज। तो बैंडेज जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, लड़की की आंख को बंधा हुआ, आपको चोट लगती होगी, कट जाता होगा, तो डॉक्टर लगाते होंगे बैंडेज, तो वो पट्टी होती है बैंडेज। क्रच और क्रिपल, तो क्रच जो है हमारा बैसाखी होता है जो, और क्रिपल जो है अपंग लोगों को बोलते हैं। मतलब कि अपंग कहने से मतलब ये है कि जिनका मतलब कि फिजिकल बॉडी पूरा फिटनेस में फिट नहीं हो, जैसे में किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है, किसी का आंख नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें हम क्रिपल बोलते हैं। ठीक है, और क्रच जो होता है बैसाखी, मानिए पैर नहीं है तो बैसाखी के ऊपर रख के उनको ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, और मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक है, और सिस्टम का मतलब तो जानते ही हो आप। तो इन सारे वर्ड्स का रिपीटेशन बहुत जगह हुआ है पूरी चैप्टर में, इसलिए आप ये जो राइटर हमारे हैं वो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोले थे। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप इस पिक्चर को देखिए और पिक्चर को देख के इमेजिन कीजिए कि कैसे इस स्कूल को अलग स्कूल से मतलब अन्य भिन्न इसको बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते अपने चैप्टर को। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने जो है मिस बीन्स के स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन पिछले भी सप्ताह से मुझे वहां जाने का वैसे कोई मौका नहीं मिला, वहां चांस नहीं मिला वहां जाने का। ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। मैं जब वहां पहुंची तो मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया, बस एक 12 साल की जो लड़की थी जो मुझे दिखाई दी। हर्स आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड सी, उसकी जो आंखें थी बैंडेज से बंधी हुई थी, और वह She was being led carefully between the flower bed by a little boy. और वो जो थी एक फ्लावर बेड, मतलब फ्लावर बेड का मतलब क्या है कि वो जिस रास्ते से जा रही थी, वहां रास्ते के आसपास अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, फूल के पौधे लगे हुए थे, तो वहां से जा रही थी, एक बच्चे के द्वारा उसे ले जाया जा रहा था। Who was about 4 years younger, वो जिस जो था जिसकी जिस लड़के की उम्र क्या थी, बस 4 साल की थी। She stopped and it looked like she asked him who had come. See, he seemed to be describing me to her. तो उसने उस लड़के से पूछी कौन आ रहा है यहाँ, तो उस वो जो लड़का था मेरे बारे में उसको बताया, उस लड़की को बताया। He seemed to be describing me to her. Then they parted. उसके बाद वो वहां से चले गए। उसके बाद क्या होता है, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, फुल ऑफ ऑथोरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मिस बीम्स के बारे में जैसे कि मैम सब सुनते आते थे, एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसे वो मिडिल एज यानी कि अर्थ मध्यम आयु की थी, मतलब कि मध्यम आयु हमारा वो बोला जाता है, मतलब 45-50 साल की उम्र को हम मध्यम आयु बोलते हैं। ठीक है, हर हेयर्स वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो हाँ बाल थे और ग्रे कलर के थे, और टर्निंग यानी घुमावदार थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होमसिक चाइल्ड। ठीक है, आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स व्हेन वी विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। ठीक है, तो बहुत सारी चीज मैंने वहां देखा, उनसे मिला, बात किया, और
और मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जो कि उनके स्कूल्स के बारे में मैंने सुना हुआ था, उनके पढ़ाने का जो मेथड है, पढ़ाने का जो तरीका है उसके बारे में मैंने जानता था, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या हुआ, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। तो वो जो स्कूल था आपके नॉर्मल स्कूल से ज्यादा मतलब अलग था, वहाँ पे बस आपको सिंपल स्पेलिंग मतलब कि सिंपल स्पेलिंग, मल्टीप्लीकेशन मतलब जोड़ घटाओ गुणा भागा ये सब नहीं सिखाया जाता आपको वहाँ पे, तो सिखाया क्या जाता था, द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग ऑफ देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच देयर हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्विट, देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर्स लेसन। ठीक है, तो वहाँ पे जो था वहाँ पे आपको बोलने बतियाने का तरीका और किसके साथ कैसा बिहेव करना ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। वहाँ प्रैक्टिकली लेसन यानी जो कि आप चैप्टर बाई चैप्टर जो पढ़ते हो वैसा क्लास नहीं चलता वहाँ पे। ठीक है, द रियल एम टू दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच टीच थॉटफुलनेस। ठीक है, तो वो जो स्कूल है उसका ये का मतलब ये सोच नहीं होता है कि वो बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाए लिखाए या फिर वैसे सिखाए, बस उसकी उसका बस ये होता है, उसका ये मतलब टारगेट होता है कि बच्चों को कैसे मतलब अपने थॉट को विकसित करना है, सोच को विकसित करना है और काइंडनेस को मतलब ज्यादा मतलब बढ़ावा देना है, जो दयालु होते हैं मतलब वो, तो उसको कैसे डेवलप करना है इस चीज के बारे में ज्यादा स्कूल से ध्यान दिया जाता है। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और वो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी नागरिक बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, मतलब वो क्या बोले कि ये विंडो के बाहर मुझे तो तुम देखो, विल यू, आई वेंट टू द विंडो व्हिच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, व्हाट डू यू सी मिस बीम आस्क्ड। और जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक बहुत बड़ा बगीचा था और वहां एक प्लेग्राउंड था। उसके बाद मिस बीम ने पूछा कि तुमने क्या देखा बाहर, देखिए इसने रिप्लाई क्या दिया, I see some very beautiful grounds, मैंने कुछ बहुत से सुंदर grounds देखे, I see and a lot of jolly children, और बहुत सारे खुश मतलब लड़के बच्चों को देखा। It pains me, तो though to see that they are not also healthy and active looking, मैंने बहुत सारे वहाँ लड़कों को खेलते कूदते देखा पर मुझे दुख बस इस बात की हुई कि वहाँ सारे बच्चे थे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एक्टिव नहीं थे और पूरे फिजिकली फिट नहीं थे। I saw one poor little girl being led about, मैंने एक वहाँ एक पुअर लड़की को देखा जो being led about, she has some trouble with her eyes, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थे। Now I can see two more with the same difficulty, और मैंने फिर उस दो वैसी लड़की को देखा जिसकी आंख में कुछ प्रॉब्लम थे। And there's a girl with a crutch watching the others to play at play, और कुछ लड़कियों को मैंने ऐसे देखा कि वो करच यानी बैसाखी पर लेटी हुई थी और दूसरों को खेलती हुई दिख रही थी। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो जो थे बिना उम्मीद के वो होपलेस क्रिपल अपंग थे जो जिनको की कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था मतलब ठीक होने का ऐसा कुछ। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड, मिस बीम हंसने लगी और बोली अरे नहीं ऐसा, और क्या बोली, शी इज नॉट रियली लेम, वो जो है जो क्रच पे लेटी हुई है वो सही में रियली में वो लेम यानी लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, आज उसका लेम डे यानी लंगड़ा होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो अदर्स है वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट्स इज ओनली ब्लाइंड डे, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड, आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर द लॉट अगेन, और जो था मैं बहुत ही आश्चर्यचकित से देखने लगा और फिर हंसी आई। This is a very important part of our system. ये जो है बहुत ही important part है हमारे system का, to make our children appreciate and understanding in misfortune. जो कि हमारे जो बच्चे जो है उन्हें हम appreciate करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए इस दुर्भाग्य के बारे में। ठीक है, we make them share in misfortune too. और हमें इस दुर्भाग्य के बारे में उनसे share करना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर आपके सामने मतलब कि आपके साथ मतलब खुद हो तो आप उसको फील करो कि आपके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा मतलब बिहेव करते हैं, वैसा ही बिहेव आपको भी उन लोगों के साथ करना चाहिए जो कि रियली में ब्लेम है, ये लेम है, लंगड़े हैं, उनकी आंखें नहीं है, चल नहीं सकते हैं।
तो आपको, आप जब उस पीड़ा को खुद से अपने आप पे फील करोगे तभी तो आप समझोगे कि उसको कितना दुख होता होगा, कितना दर्द होता होगा, और आप उसको हेल्प करोगे। तो ये सारी बातें मिस मिम्स स्कूल में सिखाई जाती थी, जो कि अब धीरे खुल के बाहर आ रही है, क्या क्या होता है वहां की उनकी स्कूल में, आइए देखते हैं। इस टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड ब्लाइंड डे, वन स्लम डे, वन डिफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। ठीक है, तो ऐसे बारी बारी करके एक एक का, किसी का किसी दिन ब्लाइंड डे होता है, किसी का लेम डे होता है, लंगड़ा वाला, डिफ डे मतलब बहरा, और एंड इंजर्ड डे मतलब जो चोटी होने वाला डे भी होता है, और लास्ट में एक होता है डम डे। डम डे यानी कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ठीक है, जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है उनकी पूरी आंखें बंदी होती है और अपने मन से वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वो अवेक ब्लाइंड। और जो बैंडेज जो होता है पूरी रात तक बंदी होती है जिससे कि वो अंधे ही जगते हैं सुबह में। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। उन्हें हर एक मतलब काम में किसी और की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। एवरीथिंग नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। अदर चिल्ड्रेन आर गिवेन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और अदर जो चिल्ड्रेन होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए वहां हर समय से तत्पर होते हैं। मानिए आपकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, आप अपने कुछ ना ही खा सकते हो, ना ही पी सकते हो, ना ही कहीं जा सकते हो, तो उनके हेल्प के लिए कुछ बच्चे वहां अवेलेबल होते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और वो बहुत ही अपने हेल्प हेल्प करते हैं अपने फ्रेंड्स की वैसे सिचुएशंस में। देयर इज नो मिजरी अबाउट मिस बीन्स कंटिन्यूड। एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अगेन बिफोर द डे इज ओवर। दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिस फॉर्च्यून इज। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतता है और ये सारी घटनाएं सब बीतती हैं तो सारे बच्चों को धीरे रियलाइज होता है ये दुर्भाग्य किस कैसा है, इस दुर्भाग्य मतलब कि ये जो घटना है ये कितनी बुरी है, तो मतलब कि उनके साथ कितना दुख बीतता है, मतलब सारी बातों को बच्चे रियलाइज करते हैं अपने आप पे, मतलब जो बीतता है तो उसको समझ पाते हैं। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे है वो वास्तव में एक वर्स्ट ही बेकार होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। पर कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि जो डम डे है जिसमें कि आप बोल नहीं सकते वो ज्यादा डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चों के मुंह को बांध के नहीं रख सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। और जैसे कि वो अपना सोच ये उसको कुछ डेवलप करते हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ दिस चिल्ड्रन फील अबाउट इट। मतलब हुआ क्या, कम इन टू द गार्डन, गार्डन में चलो और बच्चों को देखो, आप अपने आप को फील करो कि बच्चे इसको कैसे फील करते हैं। मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम ने मुझे एक बैंडेज गर्ल की जैसा बना दिया। हर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट हर्स। और मुझसे बोली एक जेंटलमैन तुमसे मिलने आने वाला है, और इतना बोल के वहां से चली गई। डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल। ओ नो सी एक्सक्लाइम दैट वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने पूछा कि तुम तो इसमें चीटिंग नहीं कर सकती हो, मानो तुम्हारे आंख में पट्टी बांधी हुआ है, तुम्हारा ब्लाइंड है यार, तुम ब्लाइंड हो इसको पट्टी को डाल, तुम चीटिंग भी तो कर सकती हो। बोला नहीं, ये थोड़ा ऑड होगा, ये अच्छा नहीं होगा, ये चीटिंग होगा टाइप से, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बोल के वो हंसने लगी बच्ची होती। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवर मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो कहीं जाना, कहीं घूमना फिरना ज्यादा सेफ नहीं होता है, हमेशा डर बना रहता है मन के अंदर कि कहीं मैं कुछ से जाके किसी चीज से लड़ ना जाऊं। ठीक है, तो इससे ज्यादा मुझे ज्यादा बेटर क्या लगता है कि एक जगह स्थिर से मतलब निश्चिंत होकर बैठा रहना ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क। मैंने पूछा क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं अच्छे से काम करते हैं, तुम्हारा हेल्प करते हैं अच्छे से। एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न, दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। तो उसने बोला कि हाँ ना करते हैं, लेकिन जब दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, लेकिन जो पहले से ही ब्लाइंड है वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इट्स परफेक्टली
घाटली नॉट टू सी आई विश यू यू ट्राई शैल आई लीड यू एनी वेयर आई आस्क। मुझे मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो मतलब कि तुम भी इसको फील करो, तुम भी एक दिन अपना ब्लाइंड डे मनाओ, अशोम पट्टी बनो और मैं तुम्हारा हेल्पर्स बनूंगी और तब देखना कि कितना चार्म करते हैं, कैसा क्या 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 फील करते हैं, ठीक है। ओ यस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो ठीक है चलो एक छोटे से वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम मुझे आसपास की चीजों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी जब ये आज का दिन बीतेगा। द अदर बैड डेज कैंट बी हाफ एज बैड डे एज दिस, और उम्मीद करूंगी कि अगला जो दिन है इस दिन के जैसा ही ना हो। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. और जो हमारा क्रच डे ये होता है, लेम जो डे होता है, पैर जब थक जाने के बाद हमें क्रच पे लिटाया जाता है, तो सच में ही क्या होता है, क्रच इज ऑलमोस्ट फन, वो एक फन जैसा होता है आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। Having an arm tied up is a but more trouble some because you can't eat without help and things like that. तो वही बातें हैं, जब आपकी आंखों पर पट्टी बनी हुई सब चीज प्रॉब्लम होगा, सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब आप खाना खाने जाते हो तो अपने हाथ से नहीं खा पाते हो, ठीक है। Troubleness because I can't without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so fighting. My head headaches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? ये सारी बातें बोलती हैं, जब मेरा ब्लाइंड डे होता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है, बुरा लगता है, माई हेड एक मेरा हेडक बढ़ जाता है, ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वॉरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, और हर समय मैं हर्ट होती रहती हूँ। वेयर आर वी नाउ, और फिर उसने पूछा कि हम कहाँ आ गए हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, हम प्ले ग्राउंड में आ गए हैं, खेल के मैदान में आ गए। मैंने बोला वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस मिस बीम, हम मिस बीम के हाउस के बगल में ही टहल रहे हैं, उसके आसपास में ही हैं। इज वॉकिंग अप एंड डाउन, यहाँ आगे या पीछे द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, माय लिटिल फ्रेंड आस्क, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, व्हाट इज वॉकिंग एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, और यहाँ गार्डन में एक छोटी सी लड़की टहल रही है। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, गर्ल लड़की ने क्या पहना है, माय लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी जो फ्रेंड थी उसने मुझसे पूछा। तो मैंने क्या बोला, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक पिंक ब्लाउज, तो उसने क्या है कॉटन का स्कर्ट पहनी हुई है, ब्लू कलर की और पिंक कलर की ब्लाउज पहनी हुई है। आई थिंक इट्स मिली, उसने बोला मुझे लगता है कि वो मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है, लड़की ने पूछा। वेरी लाइट आई सेड, बहुत ही चमकीला है, मैंने बोला। यस दैट्स मिली, यस वो मिली है, शी इज द हेड गर्ल, वो जो है एक हेड गर्ल है, मतलब जो सभी लड़कियों की देखभाल जो करती है वही हेड गर्ल। ये लड़की है अंधी लड़की, इसके आस पास पट्टी बनी हुई है, ये थिंक करती है इसके बारे में, मिली के बारे में, जो कि क्या है, हेड है, ठीक है। माइल सी इज हेड गर्ल, देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड यस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज अंडर इज हंड्रेड ऑफ इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि एक वहां आदमी है जो एक बूढ़ा आदमी है जो कि गुलाब का जो पौधा है उसे लगा रहा है। तो लड़की ने बोला हाँ वो हमारा गार्डनर है जिसका नाम क्या है, पीटर है, और वो 100 साल पुराना है, 100 साल की उम्र का है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विथ अर्ली रेड हेयर, शी इज वंस क्रचेज, दैट्स अनीता, और एक लड़की जो आ रही है जो कि क्रचेज यानी कि बैसाखी के सहारे है, दैट्स क्या है, दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट में स्टोरी के। एंड सो वी वॉक ऑन ग्रेजुअली, आई डिस्कवर दैट आई वाज 10 times मोर थॉट देन आई एवर थॉट आई कुड बी, और जैसे टहलते टहलते मैंने ग्रेजुअली सोचा किया कि मैंने जो भी मतलब बिस्विम्स की स्कूल के बारे में सुना था, जाना था, ये जो स्कूल है जो है उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा बेटर है, यहाँ के मतलब जो फैसिलिटीज है ज्यादा अच्छे बनाए गए हैं बच्चों के लिए। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी,
मुझे काफी अच्छा लगेगा दूसरों को जब इसके बारे में बताऊंगा, मुझे काफी पसंद आएगा इन चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, इस चीज के बारे में बता रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग हो. वेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो. जब मेरे जाने की बात आई तो मुझे काफी दुख भी हो रहा था, वहां जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था, और मिस बीम से मैंने सॉरी कहा कि मुझे जाना पड़ेगा. और सी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. और उसके बाद मिस बीम ने कहा चलो ठीक है, आपने इतना कुछ देखा, आपको कुछ ऐसा लगा क्या मेरे सिस्टम में जो कि आपको उतना अच्छा ना लगा हो या फिर सिस्टमेटिक ना लगा हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है स्टोरी खत्म होता है. ठीक है, अब बचा हुआ हमारा क्या है, कुछ वर्कआउट है. तो जैसे कि मैंने आपको हर एक चैप्टर में बताया कि वर्कआउट मैं आपको ऐसा नहीं करने वाला हूँ, आपको आपको वर्कआउट खुद करना है. मैंने आपको स्टोरी समझा दी, स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, थोड़ा खोल के रख दिया है. हम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के आंसर खुद से करने हैं, बुक से खोज के अपना माइंड को डेवलप करके, जिससे कि आपको माइंड अच्छा डेवलप करेगा, आप अच्छे से आंसर बना सकोगे. और साथ में आपको अगर उसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नहीं हो पाता आपसे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करूंगा कि आप इस सारे चैप्टर को आपको आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करो. और एक इम्पोर्टेंट बात हमारे चैनल का ये क्या है कि हम ऐप लॉन्च हो चुका है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी ट्रेन चैनल को, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आपको इजीली वहां से प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे कि आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए चैप्टर के साथ. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. थैंक यू, दैट्स ऑल.